नमस्कार दोस्तों। दिल्ली पुलिस में जो हेड कॉन्स्टेबल की अभी लेटेस्ट वैकेंसी निकली है उसका फॉर्म आपको लाइव फिलअप करके दिखाएंगे। एसएससी के द्वारा जिसका फॉर्म फिलअप कराया जा रहा है वो फॉर्म आपको लाइव फिलअप करके दिखाएंगे। क्या क्या जानकारी इसमें ली जाती है जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं उसका पूरा ए टू जेड प्रोसेस आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर आखिर प्रिंट तक का सारा प्रोसेस आपको ऑनलाइन करके दिखाएंगे लाइव। तो चलो उसको करने के लिए आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसके ब्राउजर में आ जाएंगे और ब्राउजर में आप सरकारी रिजल्ट टाइप करेंगे। आप सरकारी रिजल्ट से भी इस वेबसाइट पे आ सकते हैं या डायरेक्ट एसएससी एनआईसी अगर आप गूगल में टाइप करेंगे तो डायरेक्ट इसकी आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। एसएससी सरकारी रिजल्ट से क्या होता है और भी वेबसाइटों के लिंक आसानी से मिल जाते हैं। तो हमें भी एसएससी दिल्ली पुलिस का भरना है। ये फॉर्म देखो ये आ रहा है, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो ये खुल जाता है। यहाँ पर इसका इस प्रकार का पेज खुल जाता है जहाँ पर ये इंपॉर्टेंट डेट्स में देखो दोस्तों, एक तो ये लिखा हुआ है एप्लीकेशन बिगिन, एप्लीकेशन कब से शुरू हुआ 17 मई 2022। फिर यहाँ पर लास्ट डेट लिखी हुई है इसकी, क्या लास्ट डेट है इसकी 16 जून 2022 अप टू 11 PM। फिर पे ऑनलाइन फीस की लास्ट डेट क्या है 16 जून ही है जो कि। फिर ऑफलाइन पेमेंट की लास्ट डेट दिखा रखी है वो है 20 जून। करेक्शन की डेट है 21 से 25 जून। CBT एग्ज़ाम की डेट है सितंबर 2022। ये तो सब इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई। इधर फिर एप्लीकेशन फीस लिखी हुई है किस कैटेगरी कितनी फीस है, जनरल OBC और EWS 100, SC ST 0, ऑल कैटेगरी फीमेल 0 और करेक्शन चार्ज जो है फर्स्ट टाइम के लिए 200 और ये करेक्शन दे रखा है आपके बारे में, फर्स्ट टाइम 200, सेकंड टाइम जो है 500। अगर दूसरी बार आप करेक्शन करते हैं 500, एक पहले मौके पर 200 और सेकंड मौके पर आपको 500 पे करना होगा। चलो अभी ये यहाँ पे देखो मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम जो एज है 25 ईयर्स। यहाँ पे सभी डिटेल देख लेनी चाहिए कि हम इस चीज़ में आ भी रहे या नहीं इसके दायरे में। और ये देखो बिटवीन होनी चाहिए 2001 1997 से 1 जनवरी 2004 के बीच होनी चाहिए। ये बिल्कुल विशेष ध्यान देना है ना, इसे नीचे का भर सकता कोई 1-1-2004 से जिसकी कम है और 2001 1997 से अधिक है किसी की वो भी नहीं भर सकता। टोटल इसमें 835 पोस्ट है जिसमें मेल की है 559 और फीमेल की है 276। इधर ये लिखा हुआ है टाइपिंग, इसमें टाइपिंग भी है, टाइपिंग टेस्ट लिखा हुआ है इंग्लिश में 30 वर्ड प्रति मिनट और हिंदी में 25 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग टेस्ट होगा इसमें, ये लिखा हुआ है इसमें कंप्यूटर का। अब नीचे देखो एक बार नीचे यहाँ पे ये देखो इसमें कैटेगरी वाइज दिखा रखी वैकेंसी, यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी दिखा रखी कौन सी कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है, जनरल अनरिजर्व में कितनी है, OBC में कितनी है, EWS में कितनी है, SC ST में कितनी है, यहाँ पे सब कैटेगरी मेल फीमेल सब अलग अलग दिखा रखा। और यहाँ पे इसमें ये देखो इसमें दिखा रखा हाइट कितनी है मेल और फीमेल की, चेस्ट कितनी मांग रखी मेल फीमेल की, रेस कितनी है मेल फीमेल के लिए, ये सब दिखा रखा इसमें, लॉन्ग जंप कितना मेल का कितना है फीमेल का कितना है और हाई जंप मेल का कितना फीमेल का कितना, ये सभी यहाँ पे दिखा रखा है। आप इसको मोटा मोटा रिव्यू कर सकते हैं, बाकी अगर नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं आप सारी डिटेल नोटिफिकेशन में, तो बिल्कुल ही डिटेल वाइज दिखा देते हैं सारा। तो अभी हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, इसकी वेबसाइट आ जाएगी ऑफिशियल जहाँ पे फॉर्म भरना है हमें, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। और यहाँ पे अगर हमारा कोई ओल्ड फॉर्म भरा हुआ है SSC का तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से हम डायरेक्ट लॉगिन कर लेंगे, क्योंकि SSC का आपने चाहे कोई सा भरा हो, चाहे GD का भरा, CGL का, जहाँ का भी आपने फॉर्म भरा होगा उससे आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो। और अगर नहीं भरा तो आप नए यूजर पर नीचे सिंपली क्लिक करेंगे, इस प्रकार का पेज आपके सामने खुल जाएगा। इसमें पहले ही जो पूछता है आपके पास आधार नंबर है, जैसे आप यस करोगे तो आधार नंबर का ऑप्शन खुल जाएंगे। इसमें आधार नंबर डालने के लिए एक बार डालेंगे और फिर दोबारा कंफर्म करेंगे, आधार नंबर डाल लेते हैं। अगर इसमें नो करते हैं सेलेक्ट तो यहाँ पर फिर इनमें से कोई सी एक ID देनी पड़ती है, ये ID इसमें शो कर रखी है कौन कौन सी ID चल जाती है। अगर आप आधार नो करते हैं तो इन ID के डाल के भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ये इसमें ID दे रखी है। तो अभी ये फिर नीचे यहाँ पे नेम मांगता है एप्लीकेंट का नेम मांगता है जो कि एज पर मेट्रिकुलेशन लिखना है, जहाँ जो लिखा भी हुआ है नीचे देखो इसमें साफ साफ कि जो नाम है एप्लीकेंट का एज पर मेट्रिकुलेशन ही लिखना है। यहाँ पे वेरीफाई नेम में फिर दोबारा नाम डालना होता है, अगेन इसलिए डलवाते हैं कभी कुछ मिसमैच या मिस्टेक वगैरह हो तो इसमारो दो दो बार डलवाते हैं इसमें नाम, अगर नाम कुछ चेंज वेंज है तो ये इसको यस कर सकते हैं वरना नो करेंगे। फादर्स नेम भी इस तरह एज पर मेट्रिकुलेशन डालना है, नाम 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से, ये देखिए 10वीं की मार्कशीट इसमें श्री कुमार इस तरह का कुछ नहीं लगाना शुरू में नाम, वुल भी लिखा हुआ है। अरे वेरीफाई नेम में फिर दोबारा नाम डाल लेंगे, दो दो बार नाम डालना होता है इसमें, एक बार डाल लो फिर उसको कन्फर्म करो सेम, उस वजह तो है कि स्पेलिंग कुछ गड़बड़ ना हो जाए इस वजह से होता है। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ये भी एज पर मेट्रिकुलेशन ही डालनी है, डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट यही है, अगर आप क्लिक करके भी भर सकते हैं कैलेंडर से या डायरेक्ट टाइप मैनुअली भी टाइप करके भर सकते हैं। अब यहाँ पे है मेट्रिकुलेशन की डिटेल्स,
मैट्रिकुलेशन की डिटेल्स में सबसे पहले एजुकेशन बोर्ड क्या है, मैट्रिकुलेशन मतलब 10वीं का क्या बोर्ड है, हाई स्कूल का बोर्ड सेलेक्ट करना है। पूरी लिस्टें दी हुई है जिसमें पूरे भारत के सभी बोर्ड दिखा रखे हैं, जो भी बोर्ड होता है इसमें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यूपी बोर्ड ये आता है, इस नाम से बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश, इस नाम से आता है। फिर वेरीफाई करना होता है बोर्ड, अगेन एक बार कंफर्म करना होता है यहाँ पर रोल नंबर हाई स्कूल का जो भी रोल नंबर है, और ये साथ नीचे इंस्ट्रक्शन भी पढ़ लेना चाहिए कि किस प्रकार से हमें रोल नंबर लिखना है। फिर वेरीफाई करेंगे रोल नंबर को, यहाँ पे वेरीफाई करना होता है रोल नंबर। अब यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, कौन से साल पास हुआ, इसमें लिस्ट दी हुई है, कोई से मैं जिसमें भी साल पास हुआ वो ईयर सेलेक्ट करना है, फिर कंफर्म करना है, एक बार वेरीफाई करना है ईयर दोबारा सेलेक्ट करके। यहाँ पे जेंडर, मेल फीमेल जो भी है जेंडर, इसमें से जेंडर सेलेक्ट करना है, वेरीफाई करना है जेंडर को। जो पहली बार डालते हैं वही सेम नीचे डालना होता है, अगर आप चेंज करेंगे दूसरी बार तो दोबारा बोलेगा कि आपको सेम डालना बिल्कुल। और यहाँ पे पूछता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैक्सिमम कितनी है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कितनी है, इसमें जो भी है वो डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर एप्लीकेंट से पूछ के, अगर आप खुद से भर रहे तो अपना मोबाइल नंबर, वेरीफाई में फिर अगेन वही नंबर डालना होता है सेम बिल्कुल। इस पे ओटीपी आता है, और अगर फ्यूचर में मतलब हमें पासवर्ड वगैरह रीसेट करना हो, जो भी काम करना हो, इन मोबाइल और इन ईमेल आईडी से ही होता है वो, ये हमें विशेष रूप से अपनी ही डालनी चाहिए, किसी अदर की नहीं डालनी चाहिए जिसमें बाद में ओटीपी की दिक्कत आ जाए, इसीलिए बिल्कुल वही डालनी चाहिए। और यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी, फिर नीचे कन्फर्म करनी, सेम डाल लेनी चाहिए बिल्कुल। और ये स्टेट और परमानेंट एड्रेस में स्टेट क्या है, ये यहाँ पे पूरे सारे ऑल इंडिया के स्टेट दिए हुए हैं, जो भी स्टेट है परमानेंट एड्रेस में वो स्टेट सेलेक्ट करना होता है। तो ये तय है, देखा दिया आपको कि मोटा मोटा रजिस्ट्रेशन में क्या क्या डिटेल मांगते हैं। चलो अभी सारी डिटेल भर के सेव पे क्लिक करते हैं, जैसे देखो इस पर कर कंफर्म करते हैं तो ये कुछ देर घूमने के बाद ये आता है लिखा हुआ, हमने सारी डिटेल भर के जैसे ही क्लिक करा तो ये आ रहा है कि 14 दिन के अंदर आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है। इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, ये देखिए जैसे ओके पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ योर रजिस्ट्रेशन इज पार्टियल एंड इट शुड बी कंप्लीट विद इन 14 डेज। 14 दिन के अंदर हमें आगे की भी एक दो स्टेप हो रहे हैं वो कंप्लीट करनी है, अगर हम नहीं करते हैं 14 दिन के अंदर इसको कंप्लीट तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन रीसेट हो जाएगा, हमें दोबारा से फिर डिटेल भरनी होगी वही जो अभी हमने पिछले पेज पे भरी थी, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी करके यहाँ पे यूजर नेम में डाल लेंगे, और पासवर्ड हमारे मोबाइल पर जाता है 4 अंकों का, एक ईमेल पर भी आता है और मोबाइल पर भी, 4 अंकों का पासवर्ड डाल लेंगे यहाँ पे, और कैप्चा कोड डाल के अभी हमें लॉगिन करना है। और जैसे ही लॉगिन करेंगे देखो ये पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलेगा यहाँ पे सिस्टम, जो हमारे मोबाइल और ईमेल पे ओटीपी आया था 4 अंकों का, ओटीपी ही पासवर्ड है वो डाल के जब लॉगिन करते हैं तो अभी हमें स्वेच्छा से बोलता है कि आप अपनी स्वेच्छा से पासवर्ड लगा लो, उसमें ये पेज खुल जाता है, यहाँ पे चेंज करने के लिए बोलता है पासवर्ड सिस्टम, ओल्ड पासवर्ड में वही डालना है जो अभी हमारे मोबाइल और ईमेल पे 4 अंकों का आया था वो डाल लेंगे यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड में। तो और न्यू पासवर्ड डालना है, देखो ये 4 चीज़ों से मिक्स करके डालना है पासवर्ड, अंग्रेजी का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, 1 2 3 4 करके कोई नंबर और स्पेशल कैरेक्टर, 4 चीज़ों से मिक्स करके डालना है, और इधर ग्रीन भी हो जाता है जब 4 चीज़ों से मिक्स हो जाता है पासवर्ड, और सेम पासवर्ड वही नीचे डाल के मैच हो जाना चाहिए। और सबमिट पर क्लिक करते हैं तो हमारा पासवर्ड देखो सक्सेसफुल चेंज हो गया, लिखा भी आ जाता है योर पासवर्ड हैज बीन चेंज सक्सेसफुली। 4 चीज़ों से मिक्स करके पासवर्ड लगाना, ये विशेष ध्यान रखना आपको। तो अभी हमें कंटिन्यू लॉगिन ही करना है, क्लोज कर देंगे इसको, अब लॉगिन वाला पेज फिर से खुल जाता है। अभी हम लॉगिन करेंगे, जो रजिस्ट्रेशन नंबर अभी हमें मिला था वो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लेंगे यूजर नेम में, और पासवर्ड जो भी हमने लगाया इसमें वो पासवर्ड हम डाल लेंगे, इसमें जो भी सेट किया पासवर्ड वो पासवर्ड अभी डाल के कैप्चा कोड डाल के इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करेंगे तो देखो जो भी डिटेल हमने भरी थी पहले पेज पे पहले तो वो खुलेंगी, जैसे हम लॉगिन करेंगे वो डिटेल्स खुल जाएंगी जो भी हमने भरी थी, सारा नाम, रोल नंबर 10वीं की जो भी है, देखो इस प्रकार का पेज खुल जाता है जिसमें हमारा जो आधार नंबर एक बार भी हो रहा हम अभी भी एडिट कर सकते हैं, जो इधर साइड में एडिट का ऑप्शन आ रहा यहाँ पे एक बार सारा देख के कि सही है या नहीं है अभी एक बार एडिट कर सकते हैं, अगर सारा सही है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज खुल जाता है, यहाँ पे देखो क्या क्या मांगता है, कैटेगरी मांगता है, सबसे पहले तो कैटेगरी क्या है एप्लीकेंट की, जो भी कैटेगरी है जनरल EWS OBC ST SC सभी कैटेगरी आ जाती है इसमें से, कोई सी भी एक कैटेगरी जो भी एप्लीकेंट की है, खुद से भर रहे हैं तो खुद की जो भी कैटेगरी है वो सिलेक्ट करनी है। और नीचे देख लेते हैं एक बार क्या है क्या क्या है इसमें, कोई ज़्यादा नहीं, जो पहले पेज पे ज़्यादा डिटेल्स मांगता है इस वाले पेज पे, तो नेशनलिटी, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स और एड्रेस, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और बस कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, बाकी इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा भरने के लिए तो है नहीं कुछ। एड्रेस,
यहाँ पे देखो एड्रेस है ये सब, एड्रेस अगर सेम है तो ये इसका ऑप्शन आ जाता है, दो दो बार डालने की जरूरत नहीं होती। कम्युनिकेशन और प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम है, परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो उसमें यस करके भर सकते हैं आसानी से। तो चलो अभी क्या करते हैं, हम भरते हैं सारी डिटेल्स। इसमें पहले कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, कैटेगरी के बाद नेशनलिटी, और यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स डाल लेंगे। जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स बॉडी पे कोई एक मार्क देखना है, अगर कहीं पर तिल का निशान है या चोट का निशान है या कोई अलग तरह का जो भी निशान है कहीं भी, वो निशान हमें यहाँ पे बॉडी मार्क डालना होता है। एक ज़्यादातर तिल के निशान होते ही हैं सभी के, या कोई चोट का निशान है तो वो भी डाल लेते हैं इसमें। यहाँ पे हमें अनिवार्य है ये आइडेंटिफिकेशन मार्क बॉडी मार्क जरूर डालना है। तो अच्छे से देख के बॉडी पे जो भी मार्क है हमें वो बॉडी मार्क यहाँ पे डाल लेंगे। अभी इनके जैसे नाक के पास एक छोटा सा निशान है ब्लैक सा एप्लीकेंट की, तो उसको डालते हैं। देखिए मार्क ऑन नोज नियर राइट आई, राइट आईज भी डाल ले सकते थे, या हम ऊपर अपर नोज के पार्ट में लिख सकते थे इस तरह कि पार्ट ऑफ अपर नोज। तो अभी हमने राइट आईज लाग दिया नियर राइट आईज। अब यहाँ पे एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस जो भी है उनकी आईडी में देख के एप्लीकेंट की एड्रेस डाल लेंगे आईडी में जो भी एड्रेस है। और यहाँ पे सभी स्टेट विस्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, वो तो सब आईडी में लिखा हुआ होता है। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, पिन कोड डाल लेंगे आईडी में देख के ही। और यहाँ पे अगर सेम है तो यस कर लेंगे, सेम है दोनों परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यस कर देंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार देखो सो हो जाएगा, और ये आई एग्री पे क्लिक कर दिए, एक ओटीपी और आएगा 4 अंकों का डिटेल्स को वेरीफाई करने के लिए, एक बार ओटीपी आएगा। दोनों में से कोई सा भी ओटीपी डाल सकते हैं इसमें, 4 अंकों का मोबाइल वाला भी ओटीपी डाल सकते हैं और ईमेल वाला भी। ईमेल पे भी आता है एक ओटीपी और मोबाइल पे, दोनों पे अलग अलग ओटीपी आता है। कोई सा भी एक डाल के सबमिट पे क्लिक कर देंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे, कुछ देर प्रोसेस होगा पेज, और हमारा एक तरह से रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आगे भविष्य में फ्यूचर में कोई भी फॉर्म निकलता है एसएससी का, एसएससी के द्वारा कोई भी सीएचएसएल का, जीडी का, सीजीएल का, कहीं का भी फॉर्म निकलता है उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से भरना है हमें। अब हमारा रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट पर हो चुका है, अब इसी से हम आगे फॉर्म भरना है। जैसे अभी ये फॉर्म निकला हुआ है हेड कॉन्स्टेबल वाला, यहाँ पे भी दिखा रखी है इसकी सारी मोटा मोटी डिटेल्स, क्या लास्ट डेट है, कब क्या करेक्शन की क्या डेट है, पेमेंट की क्या डेट है, ये सब दिखा रखा है। यहाँ पे भी डेट सारी दिखा रखी है इसकी। तो अभी हमें अप्लाई करना है तो अप्लाई पे क्लिक करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे, एक बार और रिव्यू होगी सारी डिटेल्स हमारी, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, जो भी हमने भी डिटेल्स भरी है रजिस्ट्रेशन के टाइम, वो सभी डिटेल्स यहाँ पे हमें शो हो जाएगी, वो हम देख सकते हैं। और अभी हमें इसमें बहुत सी चीज़ें भरनी होती है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम जो डिटेल्स भरी है वो सभी आ जाती है यहाँ पे, बहुत सी चीज़ें भरनी होती है। अब ये पूछ रहा है कि ओबीसी सर्टिफिकेट है आपके पास, ए बी से यस करेंगे। अगर सर्टिफिकेट है तो हम ओबीसी में जैसे हम भर रहे हैं, एससी में भर रहे हैं, तो हमें सर्टिफिकेट पूछता है कि आपके पास है या नहीं, है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट पूछ रहा है यस नो, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो यस, नहीं तो नो। यहाँ पे सन ऑफ डॉटर्स, ये भी दिल्ली मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस में है, ये भी यस नो करना है। तो बहुत ही सीमित ऑप्शन है, इनको आप अच्छे से पढ़ के रीड करके जब यस नो करना है, अगर कोई आपके पूर लगे है तो यस करेंगे, वरना नो कर देंगे। अच्छे से पढ़ के सभी ऑप्शन को जब यस नो करना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी एक लागू होता है तो उसको यस करना चाहिए, वरना नो नो करके आगे बढ़ जाना चाहिए। अभी इन एप्लीकेंट की इनमें से कोई भी यस नहीं है, तो इनमें नो ही सेलेक्ट करेंगे हम सारे। अब ये पूछ रहा है यहाँ पे, ये भी यस नो कर लेंगे इंटरनेशनल लेवल पे कुछ। अब ये यहाँ पे पूछ रहा है मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, आपका जो एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर पे होना है ऑनलाइन, वो पूछ रहा है कौन सी लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं। अभी इंग्लिश में भी दे सकते हैं, उसको हिंदी में, दो लैंग्वेज में सिर्फ ये पूकर होना है, इंग्लिश और हिंदी में। यहाँ पे फिर एग्जामिनेशन सेंटर, 3 सेंटर डालने हैं इसमें प्रीफेरेंस के हिसाब से, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके 3 सेंटर डालने हैं। मोस्टली मिल तो जाता है पहला ही सेंटर, जो पहला सेंटर सेलेक्ट किया जाता है मोस्टली वही मिल जाता है एग्ज़ाम के लिए। बाकी अगर वो फुल हो जाता है तो उस कंडीशन में फिर सेकंड सेंटर अलॉट होता है, और अगर सेकंड भी फुल हो जाता है फिर उस कंडीशन में थर्ड अलॉट होता है।
तो तीन सेंटर इसमें प्रीफेरेंस के हिसाब से एबीसी के हिसाब से जो सबसे नियर बाई है वो डाल लेंगे पहले पे दो, और उसके बाद फिर दूसरे पे दूसरा और फिर तीसरा सेंटर, इस प्रकार जो भी अपने नियर बाई सेंटर है वो सिलेक्ट करने होते हैं इसमें तीन स्वेच्छा से। एक्स सर्विस मैन या स्मो कर लेंगे इसमें। और एक ये एज रिलैक्सेशन, अगर एज हमारी 25 साल से अधिक हो रही तो इसमें अगर कैटेगरी के हिसाब से वो मिलता है, छूट मिलती है, रिलैक्सेशन मिलता है कैटेगरी के हिसाब से, वो कर सकते हैं। ओबीसी को 3 साल का और एससी को 5 साल का। उसके बाद ये एनसीसी पूछ रहा था यस नो करना है वो कर लिया। और मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट, टाइपिंग है ना तो उसमें टाइपिंग ध्यान रखना है, इंग्लिश और हिंदी में कहम देनी है, टाइपिंग ध्यान देंगे। अब इनका एग्जाम जो है ये देंगे हिंदी में, एप्लीकेंट का जिनका हम फॉर्म फिलअप कर रहे जो ये कंप्यूटर पर टेस्ट होगा वो हिंदी में देंगे, बाकी टाइपिंग इंग्लिश में बोल रहे कि हम इंग्लिश में टाइपिंग का टेस्ट देना है तो इसमें इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया हमने। अब आ जाएंगे नीचे, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या वो डिटेल्स मांगी जाती है। टाइपिंग टेस्ट सेलेक्ट करने के बाद देखो क्या है, फिर एक तो पूछता है ऊपर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा डिग्री आपके पास है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से, वो यस नो करना, अगर है तो यस कर, वरना नो कर देंगे। और यहाँ पे नीचे फिर पूछ रहे हैं 12वीं की डिटेल्स, क्योंकि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th, अब जो भी हाईएस्ट एजुकेशन वो सिलेक्ट करनी है, बाकी अभी 12वीं बेस पे ही है फॉर्म, तो हम 12वीं के हिसाब से इसमें डिटेल्स भरेंगे सारी 12वीं बेस पे। अगर आपके पास ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा जो भी है आप वो भी सिलेक्ट करके भर सकते हैं उसकी डिटेल्स, बाकी जिनके एप्लीकेंट के पास 12वीं है तो उनका 12वीं के हिसाब से भरेंगे इसमें, ईयर पासिंग का, उसके बाद बोर्ड, स्टेट और रोल नंबर, यहाँ पे ईयर और यहाँ पे रोल नंबर। 10th की मार्कशीट पे, 12वीं की मार्कशीट पे देख लेंगे, 12th की मार्कशीट पे क्या रोल नंबर है, रोल नंबर डाल लेंगे यहाँ पे। रोल नंबर सही सही डालना चाहिए देख के मार्कशीट पे, रोल नंबर डाल लेंगे यहाँ पे, और परसेंटेज जितनी भी है 12वीं की परसेंटेज डाल लेंगे। 12वीं में ज़्यादातर 500 में से ही आते हैं, तो 500 में से जितने भी नंबर हैं उनको 5 से डिवाइड करना है, 5 से भाग देना है, परसेंटेज आ जाती है, परसेंटेज डाल लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है कि शेयर कर सकते हैं एसएससी आपकी, तो इसमें यस कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, यस करना ही चाहिए, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये लिखा हुआ है डू यू वॉन्ट टू मेड योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल जॉब के लिए, कि आपकी पर्सनल डिटेल एसएससी शेयर कर सकता है या नहीं, वो यस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर वाले आ जाएंगे अपलोड करने पे, ये देखो डेट क्या है फोटो की, 17 फरवरी 2022 का फोटो अपलोड करना है, और वो डेट फोटो के नीचे मेंशन होनी चाहिए, साइज जो है 20 के बीच से 50 के बी के बीच होना चाहिए फोटो का, और इधर सिग्नेचर, सिग्नेचर जो है 10 के बी से 20 के बी के बीच, फॉर्मेट जेपीजी चलेगा ओनली, और कोई सा फॉर्मेट नहीं चलेगा, ना पीएनजी ना पीडीएफ, और ये यस करना है बहुत अनिवार्य रूप से कि फोटो जो है हमारा 17 फरवरी 2022 के बाद का ही खींचा हुआ है, ये यस करना बिल्कुल मैंडेटरी है। अगर इसको आप नो करेंगे तो आप भर नहीं पाएंगे फॉर्म। अभी फोटो सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं हम, और यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के एक बार प्रीव्यू होगा, और फॉर्म जैसे इस पर कैप्चा कोड डाल के प्रीव्यू कर लेंगे एक बार फॉर्म को सारे को। फोटो का भी से ध्यान रखना है, फोटो पे डेट मेंशन होनी चाहिए और नाम होना चाहिए फोटो पे, नाम और डेट 17 फरवरी 2022 का होनी चाहिए इसमें। प्रीव्यू करेंगे तो देखो एक बार सारा वो डिटेल्स हो जाती है प्रीव्यू, अभी भी एक बार हमारे पास मौका है डिटेल्स को सही करने का, प्रीव्यू में एक बार सारा डेटा अपना रीड कर लेना चाहिए कि सारा सही है, सारा डेटा सही से देख लेना चाहिए कि सारा डेटा एकदम ओके है क्या, अगर लग रहा सारा सही है तो सबमिट कर सकते हैं, वरना एडिट या मॉडिफाई का एक बार ऑप्शन आ रहा है वो, सबमिट पे करेंगे तो ओके पे क्लिक करना है, और ओके के बाद ये यहाँ पे पेमेंट के लिए पूछेगा कि आप अभी पेमेंट करना चाहते हैं तो अभी कर देना चाहिए पेमेंट। ओबीसी का पेमेंट है 100 रुपये का, इसमें 100 रुपये फीस कटेगी ओबीसी की, बाकी अगर एससी एसटी होता तो ओनली प्रिंट का ऑप्शन आता है यहाँ पे, और कुछ नहीं ऑप्शन होता, फिर फीमेल का होता जब भी कोई फीस नहीं होती। अभी जैसे ओबीसी है तो 100 रुपये इसकी पे करनी होगी, ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, बैंक से फीस पे करनी है जाकर तो ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑनलाइन वो गेटवे पे आ जाता है बैंक के गेटवे पे, यहाँ से भी सुविधा हो यूपीआई डेबिट क्रेडिट कार्ड उससे पे कर देंगे। अभी हम डेबिट कार्ड से फीस पे करेंगे इसकी, कंफर्म करेंगे, और यहाँ से हमारे डेबिट कार्ड की डिटेल्स मांगी जाती है, फिर डेबिट कार्ड से पे कर रहे तो डेबिट कार्ड की डिटेल्स फिलअप करेंगे इसमें,
एक्सपायरी डेट वगैरह सब सही से डालेंगे। अगर कुछ भी गलत डाला इसमें CVV, एक्सपायरी डेट या कार्ड का नंबर, तो पेमेंट सही नहीं होगा, फेल हो जाएगा। कैप्चा कोड डाल लेंगे इसमें, सारी डिटेल्स सही सही भर के पे पे क्लिक कर देंगे। OTP आ जाता है फ़ोन पे 6 अंकों का, रिडायरेक्ट होकर बैंक वाले बैंक की तरफ से एक OTP आ जाता है 6 अंकों का। OTP यहाँ पे डालना होता है पेमेंट करने के लिए। OTP डालेंगे और मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो यही रिडायरेक्ट हो जाके फीस डिडक्ट हो जाती है। अगर सही से फीस डिडक्ट हो गई तो ये रिडायरेक्ट होकर फिर से होम पेज पर आ जाता है, SSC के होम पेज पर जाता है, जहाँ से हमको दोबारा से लॉगिन करना होगा फिर प्रिंटर लेने के लिए और स्टेटस चेक करने के लिए कि फीस सही से कट गई है। दोबारा से रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के दोबारा से लॉगिन करेंगे इसको। लॉगिन करेंगे और यहाँ पे देखो ये दोबारा से हमने लॉगिन कर लिया। अब यहाँ पे हमें अपने एप्लीकेशन का स्टेटस, पेमेंट स्टेटस इस तरह के ऑप्शन शो होने लग गए। देखो अब हमें पहले एप्लीकेशन स्टेटस, पेमेंट स्टेटस दोनों चेक कर लेने चाहिए कि सब सही दिखा रहा है नहीं। एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखाना चाहिए एप्लीकेशन रिसीव, एप्लीकेशन रिसीव आ जाना चाहिए। अगर सही से फीस कट हो गई और सारा फॉर्म सही से फिलअप किया गया तो एप्लीकेशन रिसीव आ जाएगा और पेमेंट स्टेटस भी देख सकते हैं, सक्सेस आ जाएगा। ये पेमेंट स्टेटस जो है सक्सेस आना चाहिए, फेलचर वगैरह नहीं आना चाहिए या पेंडिंग वगैरह नहीं शो करना चाहिए, सक्सेस आना चाहिए। इसकी रिसिप्ट भी ले सकते हैं प्रिंट पर क्लिक करके, वरना क्लोज करेंगे। अभी हमें फॉर्म का प्रिंट लेना है, फॉर्म का प्रिंट देखते हैं कहाँ से ले जाते हैं। देखो इस पर प्रिंट का आ जाता है, यहाँ पर ये प्रिंट का ऑप्शन आ गया। प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो इसका प्रिंट हमारे सामने आ जाता है। देखिए इस प्रकार का प्रिंट सामने आ जाता है जिसको हम अपने कंप्यूटर लैपटॉप में सेव कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में, या अगर प्रिंटर अवेलेबल है हमारे पास तो प्रिंट निकाल सकते हैं इसका आसानी से, बड़ी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये प्रिंट निकाल सकते हैं इसका, यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है, इसमें प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो फॉर्म फिलअप करते समय, आपको कोई जानकारी लेनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे वीडियो के नीचे, हम आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई देंगे। और सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कुछ भी प्रॉब्लम है कमेंट करके ज़रूर पूछें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।